नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग्स 24। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ वीनस का एक इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल स्केल, जिससे आप अपना वजन नाप सकते हैं या कोई भी सामान है आपके घर में उसका वजन आप देख सकते हैं इस पर। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ये एक वीनस का प्रोडक्ट है और यहाँ पर कुछ इसका हाईलाइट है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, इसका बैकलाइट डिस्प्ले है, टेम्परेचर डिस्प्ले लिखा हुआ है, 20 mm का इसका स्लिम बॉडी है, स्ट्रॉन्ग टेम्पर्ड ग्लास है 6 mm का। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्रीन साइज जो है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 73x28.3 mm। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है कि इसका सबसे बड़ी बात है ये कि 2 साल की इसकी वारंटी मिलती है आपको। और इसके पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और हाईलाइट्स दिया हुआ है, जैसे कि 2 PC 2 बैटरी मिलता है AAA। और यहाँ पे देख सकते हैं लोअर पावर ओवरलोड इंडिकेटर है, 180 kg का इसका मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है, 50 ग्राम इसका मिनिमम है, 4 सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे ऑटो ऑन का फंक्शन यहाँ पे दिया है। एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं ये कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसको बार बार हाईलाइट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायमेंशन दिया हुआ है कि ये मशीन कितने डायमेंशन का है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है और इसके साथ जो आता है यहाँ देख सकते हैं इसमें इसके साथ साथ क्या आता है सो लिखा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या आता है और इसका फीचर्स देखते हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, सेफ पैकेजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी मशीन है वेट करने की। और यहाँ पे 4 सेंसर लगे हुए हैं और ये ग्रिप के लिए भी लगा हुआ है। और ये इसका बैटरी का दिए हुआ है, यहाँ से आप इसका बैटरी ओपन कर सकते हैं, बदलना हो तो लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये वही बैटरी है जो हमारे टीवी की रिमोट में लगती है, ये वही बैटरी है। और ये कुछ आती है इसके साथ, देख लेते हैं क्या क्या आता है इसके साथ। कुछ पेपर्स है देख सकते हैं, ये इसका यूजर मैनुअल है। और ये इसका पेपर है, वारंटी कार्ड वगैरह होगा इसमें। ये इसका बिल है। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ करके कि एक्चुअल में ये सही वेट देता है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं एक छोटा सा वेट डाल के एक मोबाइल फ़ोन को देखते हैं इस पर। मोबाइल फ़ोन का तो अभी इस पर नहीं दिखा रहा, पहले इस चलिए इसको खुद का वज़न माप करके देखते हैं। तो चलिए इस पे देखते हैं खुद का वजन करके। इस पे इसमें दिखाया गया था कि इसमें ऑटो ऑन है, तो देखते हैं इसका वजन करके खुद का कितना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा होते ही मेरा वजन दिखा रहा है 65.55 kg। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखा रहा है 31 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसका बैटरी दिखा रहा है, ये खुद ही ऑफ हो जाता है कुछ सेकेंड के बाद। चलिए फिर से देखते हैं एक बार, देख सकते हैं दोनों बार देख सकते हैं वजन लगभग सेम ही है, सेम ही वजन दिखा रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि हर बार अलग अलग वजन दिखा रहा हो, गलत दिखा रहा हो, एक्यूरेसी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी भी दिखा रहा है। इसमें एक फंक्शन दिया है ऑटो ऑन ऑफ का, इसीलिए कुछ सेकेंड बाद डिस्प्ले करने के बाद कुछ देर बाद बंद हो जाता है, देख सकते हैं आप। ये वजन 3 बार मैंने चेक किया, 3 बार सही दिखाया, सेम वजन दिखाया, कोई अंतर नहीं है। एक बार देख लेते हैं मोबाइल फोन को कि छोटा से छोटा सामान का वजन दिखाता है या नहीं। ये एक मोबाइल होगा, ये 150-200 ग्राम का होगा, देखते हैं दिखा रहा है या नहीं। इसका तो नहीं डिटेक्ट कर रहा है, छोटे सामान का नहीं दिखा रहा है। हालांकि इसमें लिखा हुआ था 50 ग्राम, पर छोटे सामान का नहीं दिखा रहा है। उसका ही फिर से देख रहे हैं एक बार वजन करके। इस बार थोड़ा वेट में थोड़ा डिफरेंस आया है,
फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो ऑफ हो जाता है, ऑटो ऑन भी हो जाता है। जब हम इस पर खड़ा होते हैं तो ये खुद ही ऑन हो जाता है, इस पर से हट जाते हैं तो खुद ऑफ हो जाता है। और देखिए मोबाइल का आप देख वजन दिए तो 0.25 ग्राम दिखा रहा है। फिर से एक बार डाल के देखते हैं, 0.25 ग्राम दिखा रहा है। अगर ये ऑन ही रहता है तब हम वजन देते हैं तब इस पे इसका वेट दिखाता है छोटे प्रोडक्ट का, देख सकते हैं आप 250 ग्राम दिखा रहा है इसका वेट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है और यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है, यहाँ पे इसका दिखा रहा है केजी लिखा हुआ। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्प्ले का लाइट आ रहा है इधर से, और एक चीज में देख सकते हैं यहाँ पे एक पोर्ट दिया है यूएसबी पोर्ट। हालांकि इसमें पोर्ट है नहीं, ये बस जगह खाली है, इसमें कोई पोर्ट है नहीं, बस ये जगह खाली है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है वेट करने का, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। तो दोस्तों ये रहा ये वेटिंग मशीन और इसका रिव्यू। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।